एकलव्य स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है दोस्तों। मेरा नाम है सत्येंद्र प्रताप और आज हम इस वीडियो में देखेंगे क्लास 12th की ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी की हमने बुक शुरू कर दी है, सेकंड बुक स्टार्ट है अभी से। और इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर नंबर हमारा जो है दूसरा। दूसरे चैप्टर में हम देखते हैं क्या है इसका नाम, प्रवास, प्रकार, कारण, परिणाम। यानी मेनली हमारा फोकस होगा प्रवास पर। तो क्या होता है प्रवास, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन हमारे लिए होते हैं एग्जाम में उनको देखेंगे। तो आप देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पे, ये हमारी समरी है सपोर्टिंग मटेरियल से। समरी को हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि समरी से काफ़ी क्वेश्चन हमारे जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट हमारे बन जाते हैं। तो पहला पॉइंट आपके सामने है कि भारत में प्रवास की जानकारी जो है वो तब पता लगी हमें जब हमारे देश में पहली बार जनगणना हुई। पहली बार जनगणना कब हुई थी हमारे यहाँ पे, 1881 में, यानी 1881 में हुई थी। अब भारत की जनगणना में प्रवास की गणना जो है वो दो आधार पे, एक तो होती है भाई जन्म स्थान कि किसका जन्म कहाँ पे हुआ है, दूसरा क्या होता है निवास स्थान। यानी कि मान लो कि भाई कोई व्यक्ति है उसका जन्म हुआ है पंजाब में, मतलब उसका जो जन्म स्थान है वो तो पंजाब है, लेकिन वो प्रवास कर गया यूपी में, उत्तर प्रदेश में रहने लगा वो यूपी में, रोजगार वगैरह की तलाश में गया, वहीं पे उसका काम काम है, वहाँ पे वो अपना जो भी बिजनेस वगैरह या नौकरी वगैरह वहाँ पे करता है, लेकिन वो है कहाँ का, पंजाब का। तो इस तरीके से क्या है कि पूरी जनगणना पे प्रवास के दो आधार बनाए जाते हैं, एक तो उसका जन्म स्थान क्या है, दूसरा उसका जो निवास स्थान क्या है। फिर इसके बाद क्या है कि प्रवास जो है वो देश के अंदर हो, अगर देश के अंदर हो यानी हम एक राज्य से दूसरे राज्य में घूम रहे हैं तो वो आंतरिक कहलाएगा, लेकिन अगर देश के बाहर हो यानी कि हम एक देश से दूसरे देश में चले जाएं, प्रवास कर जाएं, तो वो इंटरनेशनल हो जाते हैं। भारत में आंतरिक प्रवास चार धाराएं हैं। कैसे, एक तो नगर ग्रामीण से नगरीय यानी गांव छोड़कर नगरों में चले जाएं, दूसरा हो सकता है कि गांव से गांव यानी एक गांव से दूसरे गांव में जाना, तीसरा नगर से नगर किसी एक शहर से दूसरे शहर में, चौथा क्या हो सकता है कि नगर से गांव की तरफ। तो इस तरीके से प्रवास होता है। ग्रामीण से नगरीय प्रवास जो होता है वो पुरुष प्रधान होता है, यानी इसमें ज़्यादातर पुरुष जाते हैं। गांव से शहर क्यों जाते हैं, गांव से नगर अक्सर जाते हैं रोजगार की तलाश में, ठीक है, जहाँ पे रोजगार मिले, बेहतर सुविधाएं मिले तो हम चले जाते हैं इस तरीके से। फिर भारत में ग्रामीण से ग्रामीण प्रवास की धारा स्त्रियों में ज़्यादा होती है, जिसका कारण होता है विवाह, यानी शादी हो जाती है, शादी के बाद वो ससुराल में रहती हैं, तो इस तरीके से क्या होता है, ये रीजन हो सकता है ग्रामीण से ग्रामीण। तीसरा अगर हम आगे देखते हैं, हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 2001 में जनगणना में भारत में 50 लाख व्यक्ति अन्य देशों से प्रवासियों के रूप में आए थे। जब 2001 की जनगणना हुई तो हमारे हमें ये पता लगा कि 50 लाख जो व्यक्ति हैं वो अन्य देश के प्रवासियों के रूप में हैं, यानी किसी दूसरे देश से आए। 50 लाख की जनसंख्या क्या कम होती है, सोचो, बहुत बड़ी जनसंख्या है ये। जिनमें से सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो वो बांग्लादेश से आए थे। आपको पता होगा कि 80 लाख तो आ गए थे उसी टाइम पे जब देश में क्या हुआ था, 1971 में जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था तब। फिर बाद में कुछ चले भी गए तो कुछ रह भी गए, तो लगभग इतने तो हैं ही हमारे देश में। और भारत के लगभग 2 करोड़ लोग प्रवासी बनकर दुनिया के लगभग 110 देशों में रह रहे हैं, और भारत से जो लोग गए हैं वो गए हैं 2 करोड़। कितनी बड़ी जनसंख्या है सोचो। और महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, ये जो राज्य ये प्रवासियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं कि सबसे ज़्यादा जो लोग जाते हैं वो दिल्ली में, गुजरात में, हरियाणा में, महाराष्ट्र में, इन राज्यों में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे रोजगार के बेहतर साधन मिलते हैं। इसके बाद आते हैं हम अपने नेक्स्ट पे टॉपिक पे। आगे ये है हमारा पॉइंट नेक्स्ट कि नगरीय समूहों में बृहत मुंबई में सर्वाधिक संख्या में प्रवासी हैं। अगर हम बात करें नगरीय की, शहर में किसी शहर में सबसे ज़्यादा प्रवासी थी, तो वो कहाँ पे हैं, वो मुंबई में है, ठीक है। भारत में ग्रामीण लोग मुख्यतः जो गरीबी, अधिक जनसंख्या का दबाव और स्वास्थ्य व चिकित्सा की उन्नत सुविधाओं के अभाव के कारण नगरीय क्षेत्रों में प्रवास करते हैं। गाँव में क्या होता है कि अच्छी सुविधाएँ नहीं मिलती हैं, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएँ नहीं मिलती हैं, चिकित्सा अच्छी नहीं मिल पाती है, एजुकेशन अच्छी नहीं मिल पाती है, तो ऐसे में क्या करते हैं लोग, शहरों की ओर प्रवास कर जाते हैं। काम और रोजगार के लिए जो पुरुष होते हैं वो विवाह उपरांत यानी शादी के बाद ससुराल में जाना स्त्रियों के प्रमुख मुख्य कारण है। यानी यहाँ पे देखो, रोजगार के लिए पुरुष जाते हैं,
ठीक है। और शादी के बाद जो महिलाएं होती हैं वो ससुराल में जाती हैं, तो ये भी प्रवास का कारण है कि पुरुष क्या करते हैं किसी नौकरी के किसी काम की तलाश में, और महिलाएं जो होती हैं वो शादी के बाद, तो ये ध्यान रखना। इसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों द्वारा भेजी गई, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों द्वारा भेजी गई हुंडियाँ विदेशी विनिमय का मुख्य स्रोत है। हुंडिया क्या होता है? हुंडिया देखेंगे इसे दोस्तों आगे। अब आते हैं सीधा हम अपने क्वेश्चन आंसर पे। तो ये थोड़ी सी समरी और है, आप इसे पढ़ लेना, पंजाब तमिलनाडु ये इससे रिलेटेड जो भी बातें हैं। अब आते हैं हम सीधा अपने क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, हम अपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं यहाँ से। पहला क्वेश्चन ये है कि प्रवास क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। प्रवास आपको बहुत अच्छे से आता होगा कि जब जनसंख्या के किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाकर बसने को प्रवास कहते हैं। वो किसी राज्य से दूसरे राज्य में हो सकता है, किसी ग्रामीण क्षेत्र से किसी शहरी क्षेत्र में हो सकता है, किसी शहरी क्षेत्र से किसी ग्रामीण क्षेत्र में हो सकता है, किसी नगरीय क्षेत्र से नगरीय, कई तरीके से हो सकता है प्रवास, ठीक है। फिर क्या है, राज्य के राज्य में हो सकता है या फिर किसी देश का दूसरे देश में भी हो सकता है। फिर है कि भारत की जनगणना में प्रवास की गणना किन दो आधारों पर की जाती है। अभी पढ़ा था यार, जन्म के स्थान के आधार पर कि उसका जन्म स्थान क्या है, दूसरा निवास के स्थान पे यानी वो रहता कहाँ पे है। फिर इसके बाद है तीसरा क्वेश्चन, प्रवास के कोई दो मुख्य प्रकार बताओ। देखो देश के भीतर हो तो आंतरिक प्रवास बोलेंगे, देश के बाहर हो तो उसे अंतर्राष्ट्रीय प्रवास बोलेंगे। अगला प्रश्न है हमारे सामने कि भारत में आंतरिक प्रवास की धाराएं बताओ। आंतरिक प्रवास तो आंतरिक क्या होता है, गाँव से गाँव की तरफ, गांव से शहर की तरफ, शहर से शहर की तरफ और शहर से गांव की तरफ। तो ये चार पॉइंट है और पेपर में आया हुआ है। देखो इतना आसान क्वेश्चन आ जाए पेपर में तो आपकी मौज हो जाएगी, आप तो यूं ही कर दोगे मिनटों में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है पांचवा क्वेश्चन कि अंतर्राज्यीय प्रवासियों में जनसंख्या की किस वर्ग की प्रधानता है। अंतर्राज्यीय मतलब अंदर ही अंदर देश के राज्यों में, तो उसमें स्त्री क्यों, क्योंकि भाई शादी के बाद अक्सर क्या होता है महिलाएं जो होती हैं वो ससुराल में प्रवास कर जाती हैं। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन है, इसे छोड़ो इसका आंसर यहाँ पे कट रहा है, नेक्स्ट पे चलते हैं हम। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, अंतरराज्यीय प्रवास की ग्राम से नगर यानी हम देश के अंदर की बात कर रहे हैं, गांव से शहर की तरफ जो जनसंख्या प्रवास करती है उसमें सर्वाधिक क्या होते हैं, पुरुष होते हैं। गांव से शहर की बात आ रही है, गांव से शहर क्यों जाते हैं, रोजगार के लिए, अच्छे काम की तलाश में। फिर क्या है, अंतरराज्यीय प्रवास ग्राम से नगर धारा में पुरुषों की संख्या सबसे ज्यादा होने का क्या कारण है। तो हमेशा यार पुरुषों की संख्या की बात आए तो हमेशा एक ही पॉइंट आएगा, रोजगार। रट लो इसे बस खत्म यहाँ से कि रोजगार की तलाश में ही तो जाएंगे पुरुष। फिर इसके बाद है कि हमारे देश में सबसे ज्यादा प्रवासी कहाँ के हैं, आपको बताया बांग्लादेश, सबसे ज्यादा शरणार्थी जो बसे हुए हैं। इसके बाद है कि किस राज्य में अप्रवासियों की संख्या सबसे ज्यादा है यानी कौन से राज्य में है, महाराष्ट्र में, याद रखने दोस्तों ये छोटे छोटे पॉइंट है जो। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य में उत्तर प्रवासियों की संख्या सर्वाधिक है, उत्तर प्रदेश। अब देखो इसमें उत्प्रवेश उत्प्रवा आ रहा है, इसमें भी उत्प्र आ रहा है, बस ऐसे ही आप दिमाग में रखना कि जहां पे उत्प्रवासियों की बात करें, उत् यानी उत्तर, उत मतलब उत्तर और प्रा मतलब प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश, आपको बस याद रखना है, थोड़ा सा कनेक्शन लगा के रखना है बस। इसके बाद है कि जिस किस नगरीय समूह में प्रवासी जनसंख्या का अंश सबसे ज्यादा है यानी कौन सा ऐसा शहर है जहां पे प्रवासी जनसंख्या सबसे ज्यादा है। तो आपने पढ़ा था मुंबई, बृहत मुंबई, बाहरी मुंबई, बृहत मुंबई में सबसे ज्यादा प्रवासी आने का क्या कारण है, ठीक है। तो जो मेन कारण है वो मुख्य रूप से कि राज्य के आकार के कारण है, ठीक है, राज्य का आकार, बड़ा राज्य है। इसके बाद आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर है हमारा 15, भारत में पुरुषों और स्त्रियों के प्रवास के कारण अलग अलग क्यों हैं। पुरुष जो है वो रोजगार की तलाश में प्रवास कर जाते हैं रोजगार के लिए, महिला जो प्रवास करती हैं वो विवाह के बाद करती हैं, तो इसलिए ये अलग अलग कारण है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य है जहाँ पे स्त्रियों का प्रवास मुख्य कारण विवाह नहीं है यानी जहाँ पे स्त्रियाँ विवाह के कारण नहीं जाती, मेघालय। याद कर लेना बस इन नामों को। अब आते हैं हम अगले, भारत में किन दो राज्यों में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों से अच्छी मात्रा में विदेशी
जो मुद्रा वगैरह आती है वो आती है। ठीक है, पंजाब और केरल जो है, यहाँ के लोग ज़्यादातर कहाँ पे जाके बसे हुए हैं, विदेशों में, तो वहाँ से जो विदेशी मुद्रा है वो भारत में आ जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो आप, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि प्रवास जो है उसके प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक बताने हैं। प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक क्या होते हैं? ठीक है, तो यहां पे दो तरह के कारण है। प्रतिकर्ष ये है नेगेटिव, यानी कुछ कमियां हैं इसके कारण लोग प्रवास करते हैं। अपकर्ष जो होता है वो होता है पॉजिटिव, तो वे कारण जो लोगों को निवास स्थान या फिर उद्गम जहाँ पे वो चले हैं उसको छोड़ने का कारण बनता है, तो प्रतिकर्ष कारण कहलाता है। जैसे लोग गांव से शहरों की तरफ भागते हैं, क्यों? गरीबी और बेरोजगारी और कृषि भूमि पर जनसंख्या के भरण पोषण पर ज़्यादा दबाव के कारण। ठीक है, सुविधाओं के कारण भागते हैं क्योंकि गाँव में सुविधाएं नहीं है, तो वो शहरों में जाते हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, परिवहन, मनोरंजन, ऐसे काम, इन कारकों के कारण। इन सारी चीज़ों का क्या होता है? अभाव होता है, यानी ये चीज़ें वहाँ पे उपलब्ध नहीं होती, तो इस कारण लोग क्या करते हैं, जाते हैं शहरों की तरफ। तो ये सारे कारण क्या हो जाएंगे? प्रतिकर्ष कारक हो जाएंगे, यानी नेगेटिव। इनके अलावा अगर हम देखें जहाँ पे आपदाएं आती रहती हों, जैसे कि बाढ़ आए, सूखा आए, चक्रवात आए, भूकंप, तो ये कारण हो सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? हमारा प्रतिकर्ष कारक है दोस्तों, यानी यहाँ पे नेगेटिविटी दिखाते हैं। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट, जो हमारा अपकर्ष कारक है, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि ये जो है वो गंतव्य स्थान, यानी गंतव्य का मतलब होता है डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन जहाँ से हमको, जहाँ पे हमको पहुँचना है। मान लो मैं किसी गांव में रहता हूँ और मुझे उस गांव से पहुँचना है दिल्ली की तरफ, यानी किसी शहर में, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? दिल्ली डेस्टिनेशन हो जाएगा, यानी ये गंतव्य स्थान के वे कारक हैं जो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, पॉजिटिव। यहाँ पे लोग क्या करते हैं? गांव से शहरों की ओर आकर्षित होते हैं, गांव छोड़कर लोग दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में, ऐसे महानगरों में बसते हैं। क्यों बसते हैं? यहाँ पे लोगों को अच्छा रोजगार मिल जाता है, लोगों को अच्छी सुविधाएं मिल जाती हैं, यहाँ पे अच्छी सैलरी मिल जाती है, अच्छा पैसा मिल जाता है, अच्छी एजुकेशन मिल जाती है, अच्छा स्वास्थ्य मिल जाता है, अच्छा परिवहन मिल जाता है, अच्छे मनोरंजन के साधन मिल जाते हैं। तो ये सारे कारण हो सकते हैं दोस्तों प्रवास के। तो प्रतिकर्ष कारक आए तो समझ लो कि समस्या से भाग रहे व्यक्ति, ठीक है, अपकर्ष कारक आए तो समझ लो कि वो किसी चीज, वहां पे उसे कुछ मिल रहा है। अपकर्ष मतलब आकर्षित करने वाले कारक, प्रतिकर्ष मतलब भगाने वाले कारक। कौन से कारक भगाएंगे? मान लो भूकंप आता रहता हो तो लोग भागेंगे, या वहां पे रोजगार ना हो तो लोग भागेंगे, इस तरीके से। अब इसको एक फिगर के तहत अगर हम देखना चाहें तो कैसे होगा? देखो, प्रतिकर्ष कारक, ठीक है, आर्थिक कारक हो सकते हैं, अवसर नष्ट, ये इसके कुछ उदाहरण दे रखे हैं, जैसे गरीबी बहुत ज़्यादा है, भूमि पे दबाव बहुत ज़्यादा है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है, शिक्षा नहीं है, ये सारी कमियां हैं यहाँ पे, तो लोग इन सब चीज़ों को छोड़कर भागेंगे। तो ये कौन से फैक्टर रहेंगे? ये प्रतिकर्ष कारक है। अपकर्ष यानी पुल फैक्टर, तो ये वो होंगे जिसमें रोजगार के अच्छे अवसर मिलेंगे, अच्छा काम मिलेगा, अच्छी सैलरी मिलेगी, अच्छी सुविधाएं मिलेंगे, अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब मिलेंगे। ठीक है, तो ये देखो, इसको नेगेटिव बोल सकते हैं हम, प्रतिकर्ष को नेगेटिव यानी माइनस का निशान दे रखा है, इसको पॉजिटिव बोल सकते हैं यानी प्लस का निशान दे रखा है। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया हो। अगला क्वेश्चन देखो, उद्गम और गंतव्य स्थान की आयु और लिंग संरचना पर ग्रामीण नगरीय प्रवास का क्या प्रभाव पड़ता है? उद्गम और गंतव्य स्थान, उद्गम स्थान वो होता है जहाँ से हम चलते हैं, और गंतव्य स्थान वो होता है जहाँ पे हमको पहुँचना होता है, यानी हमारी मंजिल। स्थान की आयु, लिंग संरचना पर ग्रामीण और नगरीय प्रवास का क्या असर पड़ता है? तो ग्रामीण इलाकों में क्या होता है दोस्तों, बड़ी संख्या में जो युवक होते हैं वो रोजगार की तलाश में गाँव से कहाँ भागते हैं? शहरों की तरफ। इन ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं की संख्या जो होती है वो कम हो जाती है, और शहरों में इनकी संख्या क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। गांव में बूढ़े और बच्चे और स्त्री रह जाते हैं, क्योंकि युवा तो चले गए हैं प्रदेश में, शहरों में कमाने के लिए, तो उत्तरांचल, राजस्थान, एमपी और पूर्वी महाराष्ट्र होने वाले
यहाँ पे क्या है, बाहरी प्रवास हो जाता है और इन राज्यों की आयु एवं लिंग जो संरचना होती है उसमें डिसबैलेंस हो जाता है, यानी असंतुलन हो जाता है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, याद कर सकते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं, प्रवास जो है उसके कारण बताने, क्या कारण हो सकते हैं। तो प्रतिकर्ष के प्रवास के प्रतिकर्ष या और प्रवास के अपकर्ष कारकों पर चर्चा कीजिए। तो देखते हैं कैसे। लोग सामान्य रूप से अपने जन्म स्थान से भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं। एक मतलब अजीब सी फीलिंग होती है, एक अजीब सा प्यार होता है हमें उस जगह से जहाँ पे हमारा जन्म हुआ होता है। लेकिन लाखों लोग क्या करते हैं, अपने जन्म स्थान और निवास को छोड़ देते हैं, क्योंकि उसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कि अक्सर क्या होता है भाई, रोटी कमाने के लिए, पेट पालने के लिए, ठीक है, अपना रोजगार, इसके कारण क्या होता है कि लोग उस जगह को मजबूरन छोड़ते हैं। तो आर्थिक कारक देखें भाई, इसमें क्या होता है, ग्रामीण इलाकों में ज़्यादातर लोग खेती पर निर्भर होते हैं, यहाँ पे जो रोज़गार वगैरह होता है दोस्तों वो कम होता है। यहाँ पे क्या होता है, बेरोजगारी होती है, यहाँ पे भुखमरी, गरीबी, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इन कारणों से लोग क्या होते हैं, मजबूर होते हैं उस जगह को छोड़ने के लिए। तो ये आर्थिक कारक थे। दूसरा देखो, अगर हम बात करें अवसंरचनात्मक कारक, तो इसमें क्या होता है कि भाई जो गांव वगैरह होते हैं यहाँ पे क्या होती है, अच्छी शिक्षा नहीं मिलती है, यहाँ पे शिक्षा अच्छी नहीं मिल पाती है, स्वास्थ्य नहीं मिल पाता है, सेवाएं, परिवहन, मनोरंजन, ये सारी चीज़ें नहीं हो पाती हैं। तो लोग सुविधाओं की कमी होने के कारण शहरों की तरफ भागते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक कारक की बात अगर हम करें, तो सामाजिक परंपराओं के चलते क्या होता है, इसमें प्रत्येक लड़की, जब भी लड़की की शादी होती है तो शादी के बाद वो कहाँ जाती है, अपने ससुराल में जाकर रहती है। तो ये भी क्या है, स्त्रियों की जनसंख्या जो होती है वो प्रवास करने का एक रीज़न है। आगे देखते हैं क्वेश्चन पॉइंट नंबर हमारा नेक्स्ट, राजनीतिक कारक हो सकते हैं और कुछ प्राकृतिक। तो राजनीतिक से पहले हम प्राकृतिक पढ़ लेते हैं। मान लो कहीं ऐसी जगह पे हम रहते हैं जहाँ बाढ़, भूकंप, सुनामी, चक्रवात का खतरा रहता है, तो ऐसे में क्या होंगे, हम अपनी जान को सुरक्षित करने के लिए, अपनी जान को बचाने के लिए एक ऐसी जगह में प्रवास कर जाएंगे जहाँ पे ये सारी चीज़ें ना हो। फिर इसके बाद है राजनीतिक कारक। मान लो युद्ध होता रहता हो, अशांति हो, लड़ाई झगड़ा, राजनीतिक अस्थिरता, जातीय संघर्ष, दंगे चलते हों, तो ऐसे में क्या होता है, लोग अक्सर क्या करते हैं, उन जगहों को छोड़ जाते हैं। अगर हम एग्जाम्पल दें तो आतंकवाद के कारण क्या हुआ था कि कश्मीर घाटी से कश्मीरी पंडित जो थे वो मजबूरन उस जगह से प्रवास कर गए थे दूसरी जगहों पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत में प्रवास की स्थानिक भिन्नता को किन्हीं 5 बिंदुओं में स्पष्ट करो। कि भारत में जो प्रवास की भिन्नता है उसे बताना है। तो प्रवास आपको पता है कैसे भिन्न है, एक तो ये है कि भाई भारत में अगर हम बात करें गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, तो इन राज्यों में क्या होता है, सबसे ज़्यादा लोग प्रवास करते हैं दूसरे राज्यों से आकर। फिर बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, ऐसे राज्यों से क्या करते हैं, लोग दूसरे राज्यों में जाते हैं, यानी इन राज्यों के लोग इन राज्यों में आके बसते हैं। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, ये नगरीय शहर हैं, यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय प्रवास अधिक हुआ है। सबसे अधिक प्रवासी जो हैं वो मतलब इस मुंबई में बसे हुए हैं। हाल ही में कुछ वर्षों में भारत में क्या हुआ है, पड़ोसी देशों से आकर प्रवासी बस रहे हैं, जैसे बांग्लादेश वगैरह से आ जाते हैं, ठीक है, म्यांमार वगैरह से आ जाते हैं, या फिर अन्य देशों, नाइजीरिया वगैरह से भी बहुत लोग आते हैं। सबसे अधिक प्रवासी जो हैं वो कहाँ पे आए हैं, महाराष्ट्र में आए हैं, आपको ये नाम याद रखना है, सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में, तथा बिहार और यूपी से सबसे ज़्यादा लोग प्रवासी हो गए, यानी बिहार से लोग सबसे ज़्यादा और यूपी से सबसे ज़्यादा लोग प्रवास कर जाते हैं, इन राज्यों को छोड़ जाते हैं, और सबसे ज़्यादा कहाँ के बसते हैं, महाराष्ट्र में बसते हैं। तो दोस्तों ये हमारा हो जाएगा यहाँ से। देखो क्वेश्चन क्या है हमारा, बदलते समय के साथ साथ प्रवास के कारणों और स्वरूप दोनों में परिवर्तन हो रहा है। कि समय जैसे जैसे बदल रहा है, प्रवास के कारण भी बदल रहे हैं और स्वरूप भी बदल रहे हैं, ये बताना है हमें। तो बदलते समय में क्या हो रहा है, प्रवास के कारण और स्वरूप में परिवर्तन आ रहा है, उसके पीछे देखो क्या चीज़ें हैं। कि समय के साथ साथ प्रवास के कारणों में यानी धार्मिक यात्राएं ये ज़्यादा बढ़ने लगी हैं, लोग क्या है, धार्मिक यात्राएं ज़्यादा करने लगे हैं। युद्ध, अशांति और प्राकृतिक आपदाओं से लेकर रोजगार, शिक्षा, निवेश, ये बेहतर जीवन की दशाओं में तक यात्रा तय की है।
यानी ये सारी चीज़ें बदलती जा रही हैं। आज़ादी के बाद से आज तक प्रवास के स्वरूप में मजदूरों, व्यवसायियों, शिल्पियों, व्यापारियों से लेकर शिक्षित जो पढ़े लिखे युवा लोग हैं या महिलाएं, इन तक की यात्रा तय की है। यानी इतने सारे जो हो रहे हैं, ये बदलाव आ रहे हैं हमारे देश में। ठीक है दोस्तों, यह आप पढ़ लेना थर्ड पॉइंट। और यहाँ से हमारा जो वीडियो था वो हमारा वीडियो ख़त्म हो गया। कैसा लगा? अगर आपको पसंद आया हो तो आप लाइक करें ज़रूर, शेयर करें अपने दोस्तों में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके दोस्त हैं उन तक ये वीडियो पहुँचे और हमारा मकसद कामयाब हो कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की हेल्प हो पाए। कमेंट करना ना भूलें, और कमेंट दोस्तों अच्छा ही करें, कुछ भी नेगेटिव लिखने की कोशिश ना करें। ठीक है दोस्तों, और क्या है आपको क्या करना है? पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक कहते हैं सभी को। ऑल द बेस्ट दोस्तों, भगवान करे आपका पेपर बहुत अच्छा हो। ठीक है, और धीरे धीरे कोशिश करेंगे आपका जितना भी सिलेबस है टाइम निकाल निकाल के वो कवर हो जाए। और धन्यवाद दोस्तों।